तो आखिर लालू प्रसाद यादव संजय दत्त के ऊपर गुस्सा क्यों हो गए थे? तो हुआ था कुछ ऐसे कि जब संजय दत्त ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी, तब एक बार पार्टी प्रचार के लिए संजय दत्त बिहार गए थे और तब उस पार्टी प्रचार में लालू यादव भी मौजूद थे। तो हुआ कुछ ऐसे कि संजय दत्त जब स्टेज पर भाषण देने गए, तब वहां पर पब्लिक संजय दत्त को देखकर पागल हो रही थी और यहां तक कि पब्लिक ने संजय दत्त के नाम के नारे लगाने भी शुरू कर दिए और बाद में संजय दत्त अपने फैंस को ऑटोग्राफ देने लगे। अब हुआ कुछ ऐसे कि थोड़ी देर बाद जब लालू जी भाषण देने गए, तब पब्लिक का सारा ध्यान लालू जी के भाषण के बजाय संजय दत्त पर था और पब्लिक लगातार संजय दत्त के नाम के नारे लगा रही थी और इस चीज की वजह से लालू जी सही तरह से भाषण नहीं दे पा रहे थे। तब गुस्से में आकर लालू जी ने संजय दत्त को कहा कि भाई तुम लोगों को ऑटोग्राफ देना बंद करो और जाओ यहाँ से, तुम्हारी वजह से लोग मेरा भाषण नहीं सुन रहे। अब क्योंकि संजय दत्त लालू जी की काफी इज्जत करते थे, इसीलिए वो वहाँ से चुपचाप चले गए और फिर लालू जी ने अपना भाषण कम्प्लीट किया।